अवनीश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। अवनीश, क्या चल रहा है इस वक्त उत्तराखंड में? सब कुछ तो अब तय हो गया कि पुष्कर धामी वहां के सीएम बनेंगे, बहुत जद्दोजहद, बड़ा सस्पेंस रखा गया, लेकिन ऐसा लग रहा था, हम लोग तो पहले ही बता चुके थे कि पूरी उम्मीद और पूरी तरह से चांसेस हैं कि पुष्कर धामी ही अगला सीएम बनेंगे। बन गए, मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन कैसा होगा इस बार, सब कुछ बदला कैसा लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी बने हैं, मजबूती के साथ बने हैं, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से बने हैं, तो निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी आपको एक अलग ही छवि दिखाई देगी। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो बड़े चेहरे थे उनको शायद ड्रॉप किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो कि अप्रत्याशित हो गए उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दूसरी बात, मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम देखें जातीय समीकरण के लिहाज से और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से, तो वो संतुलन बैठाने की कोशिश भी यहां पर निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी ही इस मंत्रिमंडल को फाइनल करेंगे, ये शायद मुझे नहीं लगता। निश्चित तौर पर एक बार फिर इसमें केंद्र की दखलंदाजी होगी, पार्टी के बड़े नेताओं को देखना होगा और उसके बाद ही यह मंत्रिमंडल फाइनल रूप लेगा। हालांकि मैं अभी तक की बात करूं, कल 2:30 बजे शपथ ग्रहण होना है और जितने भी मंत्री हैं उनको कल ही शपथ दिलाई जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वो मंत्री कौन होंगे अभी किसी के पास किसी तरह का फोन संगठन की तरफ से नहीं गया है गौरी। फिर भी अवनीश, कुछ तो जानकारी मिल रही होगी कि इन्हें तो रखा जाना ही है, कुछ नए चेहरों को उसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वादे, बहुत सारे वादे किए गए हैं चुनाव प्रचार के दरमियान, घोषणा पत्र के जरिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक मजबूत मंत्रिमंडल की जरूरत होगी पुष्कर धामी को। कुछ ऐसे नाम जो पुष्कर धामी के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतारने की कोशिश सरकार की होगी? देखिए, अगर हम नामों की बात करें, जिलेवार हम बात करें, तो हरिद्वार में मदन कौशिक का नाम बड़े मजबूती के साथ है, लेकिन देखना होगा कि क्या मदन कौशिक मंत्री बनते हैं, क्योंकि लगातार सरकार जब तक रही है मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अहम पदों की उनकी जिम्मेदारी दी गई है, मंत्रिमंडल में भी वो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो इस बार मंत्री नहीं बनते तो हरिद्वार की बात करूं, पंजाबी लॉबी से प्रदीप बत्रा है जो कि रुड़की से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से विधायक बने हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, रानीपुर से आदेश चौहान है उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर हम टिहरी की बात करें, टिहरी में अप्रत्याशी जीत बीजेपी ने हासिल की है और खास बात यह है कि बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर किशोर उपाध्याय टिहरी से जीते हैं, उनकी दावेदारी बनती है। सुबोध उनियाल पहले ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इस बार भी नरेंद्रनगर से जीते हैं, उनकी दावेदारी बनती है। खास बात यह है कि धनोल्टी से प्रीतम पवार जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे वो भी दावेदारों में शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर हम युवाओं की बात करें तो जो देवप्रयाग सीट है, विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले जो कंडारी हैं वो वहां से विधायक बने हैं, उनकी दावेदारी यहां पर बनती है। और खास बात यह भी है कि अगर हम कांग्रेसी गोत्र की बात करें तो सितारगंज से सौरभ बहुगुणा अपने आप पे एक बड़ा नाम है, विजय बहुगुणा के वो बेटे हैं, वो भी अपनी दावेदारी यहां पर जता रहे हैं। अगर हम बात करें चंद्र राम दास की तो वो भी दावेदारों में शामिल है। महिला कोटे की बात करें तो महिला ब्राह्मण के तौर पर रितु खंडूरी का नाम बड़ी मजबूती के साथ सामने आ रहा है। अगर हम बात करें रेखा आर्य की जो सोमेश्वर से विधायक है उनका नाम बड़ी मजबूती के साथ लिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मंत्रिमंडल में हम देखें तो यशपाल आर्य या हरक सिंह रावत की बात करें वो तो नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी जगह जो खाली हुई है वहां पर भी निश्चित तौर पर भारी भरकम लोगों को सामने लाने की बातचीत हो रही है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहां से धन सिंह रावत मजबूत नेता है, खाटी संघी का उनको माना जाता है, उनका नाम है। सतपाल महाराज चुबट्टा खाल से एक बार फिर जीते, भारी भरकम नाम है, हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे लेकिन उनका नाम ही चला, कहीं उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई, वो मंत्रिमंडल में जगह पाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और खास बात यह है कि 5 बार से लगातार डीडी हाट से चुनाव जीत रहे बिशन सिंह चौपाल को अगर सीट छोड़नी पड़ी तो वो सीट छोड़ेंगे, नहीं तो अगर मंत्रिमंडल में उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, ये वो तमाम नाम है। बिल्कुल, और अगर मैं बात करूं प्रेमचंद अग्रवाल की, वो भी अपने आप में एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने हैं। जी, मतलब जो भी होना है कल तक हम लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बार चूंकि पुष्कर धामी पर जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी की हुई तो बीजेपी ने भी एक तरह से प्रचंड भरोसा किया पुष्कर धामी के ऊपर, लेकिन पुष्कर धामी तभी बेहतर काम कर पाएंगे जब एक बेहतरीन, बहुत ही मजबूत, बहुत ही कारगर मंत्रिमंडल बनकर तैयार होगा।